अस्सलामुअलैकुम, आपका भाई साजिद रहमानी। तो दोस्तों, हाजिर हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। जब से पोको की तरफ से पोको X3, इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स 08 और टेक्नो की तरफ से 16 प्रीमियर लॉन्च हुआ है, तब से रियलमी की तरफ से रियलमी 7 प्रो का पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी बेसब्री से वेट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आप लोगों का इंतज़ार हुआ ख़त्म। पाकिस्तानी मार्केट में रियलमी 7 प्रो को 2 नवंबर को लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले ये इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। और इंडियन मार्केट की प्राइस की बात करें तो रियलमी 7 प्रो की इंडियन मार्केट में 20,000 प्राइस निकल कर आई है, और ये 27 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट पर इंडियन मार्केट में मौजूद होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रियलमी 7 प्रो की कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस, और क्या ये मोबाइल फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है, क्या आपको इस मोबाइल फ़ोन का वेट करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अजान हो रही है, अजान के बाद वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो भाई, अब इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। आप मोबाइल फ़ोन को हाथ में पकड़ेंगे तो सबसे पहली जो चीज़ आप नोटिस करेंगे वो इस मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले होने वाला है। और मेरा ख्याल है यहाँ पर डिस्प्ले भी आपको काफ़ी हद तक सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन में आपको 6.4 इंचज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है। यही नहीं, इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले में आपको कोरिंग गुरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। हालांकि हमें इस प्राइस पैकेट में गुरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शंस मिल रही हैं, लेकिन रियलमी हमें यहाँ पर गुरिल्ला ग्लास 3 देने वाला है। खैर, इसके साथ इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले में आपको सिंगल पंच होल भी मिल जाता है, जहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अब जहाँ तक बात दोस्तों डिस्प्ले की परफॉर्मेंस की होने वाली है, तो यहाँ पर आपको रियलमी 7 की तरह 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है। डेफिनेटली सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ हमें मेरे नहीं ख्याल के 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट की ज़रूरत है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आप इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले से ले सकते हैं। इसके अलावा, अगर आप एक गेमिंग के ज़्यादा शौकीन हैं, मूवीज़ वगैरह ज़्यादा देखते हैं या फिर ट्रैवलिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये डिस्प्ले आपको काफ़ी हद तक सेटिस्फाई करेगा। 480 के यहाँ पर ब्राइटनेस निट्स हैं, तो डायरेक्ट सनलाइट में भी इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले को यूज़ करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। डिस्प्ले तो भाई नो डाउट बहुत ही कंचा है। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की हम कैमरा परफॉर्मेंस की, क्योंकि मोबाइल के बैक पर आपको वर्टिकल एंगल में क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा 64 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ, जहाँ पर जो सेंसर लगाया गया है वो सोनी का है। लेकिन इसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिल जाता है। बाकी के जो दोनों लेंस है वो ना ही पूछे तो अच्छा है, क्योंकि दोनों ही लेंस आपको यहाँ पर जस्ट 2 मेगापिक्सल के मिलने वाले हैं। अब मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा तनकीद करता हूँ दोस्तों, 64 मेगापिक्सल के सेंसर के बाद आप डायरेक्ट जस्ट 2 मेगापिक्सल पर आ जाते हैं। अगर आपने 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दे दिया है, तो भाई ये बाकी के दोनों लेंस भी एटलीस्ट 5-5 मेगापिक्सल के दे दो। ये 2-2 मेगापिक्सल के लेंस आपको नाइट कंडीशन में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। पाकिस्तानी मार्केट में क्वाड कैमरा सेटअप देने का एक ट्रेंड चल चुका है। हर एक कंपनी के लिए क्वाड कैमरा सेटअप देना ज़रूरी हो चुका है, इसलिए यहाँ पर 2-2 मेगापिक्सल के लेंस लगाकर क्वाड कैमरा सेटअप कंप्लीट कर दिया जाता है। खैर दोस्तों, मोबाइल की आप 64 मेगापिक्सल के मेन सेंसर से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्लोमो का ऑप्शन भी मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पर आपको सिंगल पंच होल मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अब 64 मेगापिक्सल के सेंसर की परफॉर्मेंस क्या होने वाली है, जैसे ही मोबाइल फ़ोन लॉन्च होगा हम इस मोबाइल फ़ोन की डिटेल कैमरा रिव्यू वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आएंगे। खैर, अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के वेरिएंट की। तो पाकिस्तानी मार्केट में रियलमी 7 प्रो जो है वो 8GB 128GB के साथ लॉन्च होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है रियलमी 7 जो है वो 6GB 128GB के साथ आएगा। अब जहां तक बात दोस्तों यहां पर स्टोरेज टाइप की है, तो यहां पर आपको UFS 2.1 की स्टोरेज मिलने वाली है, ये बहुत गुड हो गया है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के चिपसेट की, क्योंकि मोबाइल की परफॉर्मेंस चिपसेट के ऊपर मुनहसर करती है। रियलमी 7 प्रो में आपको 720G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। याद रहे, रियलमी 7 में आपको मीडिया टेक का हेलियो G95 का प्रोसेसर मिलता है, लेकिन 7 प्रो में आपको स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब 720G जो है G95 से कदरे बेहतर है, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस प्राइस पैकेट में हमें स्नैपड्रैगन 730G मिल जाता तो काफ़ी बेस्ट हो सकता था। खैर दोस्तों, स्नैपड्रैगन 720G 8GB 128GB का कॉम्बिनेशन, और इसके अलावा सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ये जो कॉम्बिनेशन है भाई इस प्राइस पैकेट में इस मोबाइल फ़ोन को काफ़ी तगड़ा ऑप्शन बना देता है। जहां तक बात चिपसेट की परफॉर्मेंस की है, तो पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी या फोर्टनाइट जैसी गेम्स को आप बआसानी खेल पाएंगे, और ग्राफिक्स भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की हम बैटरी सिचुएशन की। तो यहाँ पर बैटरी को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। रियलमी 7 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, यहाँ पर
5200 की करने की बजाय जस्ट 4500 एमएच की बैटरी मिलने वाली है। रियलमी 7 प्रो में आपको 4500 एमएच की बैटरी मिलेगी विद 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। याद रहे, इससे पहले हमें 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग ओप्पो रेनो 4 प्रो में मिली थी, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में 80 प्लस के प्राइस टैग के साथ मौजूद है। लेकिन रियलमी आपको अंडर 50,000 के प्राइस टैग में 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग देने वाला है, जो कि इसका बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट बन सकता है। अब इस मोबाइल फ़ोन की अगर हम फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करें, तो आप जस्ट 33 या फिर 37 मिनट्स में अपने मोबाइल फ़ोन को फुल चार्ज कर पाएंगे। इमेजिन करें, आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड है, आप नहाने के लिए जाते हैं और मोबाइल फ़ोन को चार्ज पर लगा देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर आप 10 मिनट में भी वापस आते हैं, तो आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो हाफ यानी 50% चार्ज हो चुकी होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। कहते हैं टेक्नोलॉजी वक्त गुजरने के साथ साथ सस्ती होती चली जाती है, यही वजह 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि अंडर 50,000 के प्राइस टैग में हमें मिलेगी, क्योंकि ये पहले फ्लैगशिप स्मार्टफोन में आई थी। लेकिन अब वही फास्ट चार्जिंग वाली टेक्नोलॉजी हमें वक्त गुजरने के साथ अंडर 50,000 में मिल रही है, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। खैर दोस्तों, अगर हम बात करें इस मोबाइल फ़ोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो भाई मुझे इस मोबाइल फ़ोन का काफ़ी बेसब्री से वेट है। जैसे ही मोबाइल फ़ोन लॉन्च होगा, हम इस मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग टेस्ट की वीडियो, अनबॉक्सिंग की वीडियो और डिटेल रिव्यू वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियो मिस ना करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सिक्योरिटी की थोड़ी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको फेस अनलॉक मिलेगा और इस मोबाइल फ़ोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 10 प्री इंस्टॉल मिलने वाला है, और या इसके साथ साथ आपको यहाँ पर सिम सिचुएशन की बात करो तो डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी मिल जाएगी। खैर दोस्तों, मोबाइल काफ़ी तगड़ी स्पेसिफिकेशंस के साथ आ रहा है, डेफिनेटली आप लोगों को इस मोबाइल फ़ोन का वेट करना चाहिए। और जहाँ तक बात इस मोबाइल फ़ोन की एक्सपेक्टेड प्राइस की है, तो इस वक्त इस मोबाइल फ़ोन की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 48,000 निकल कर आ रही है। यकीन करें, अगर ये 47-48,000 की इनवॉइस प्राइस के साथ पाकिस्तानी मार्केट में आ जाता है, तो ये हमें एक या फिर 2,000 at least 2,000 के डिस्काउंट के बाद पाकिस्तानी मार्केट में आपको 45 या 46,000 में बासानी मिल जाएगा। अगर तो ये इसी प्राइस पैकेट में आ जाता है, तो यकीन करें पोको X3 या इस जैसे दूसरे ब्रांड्स के स्मार्टफोन को काफ़ी तगड़ी टक्कर देने वाला है, क्योंकि इस प्राइस पैकेट में यानी 40,000 से 50,000 के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। अगर ये इस प्राइस पर पाकिस्तानी मार्केट में आ जाता है, तो दूसरी कंपनीज के लिए इस प्राइस पैकेट में खेलना काफ़ी मुश्किल कर देगा। आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा और आपके नज़दीक इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस क्या होनी चाहिए, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हर आने वाले न्यू मोबाइल की अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।